मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मेरी जिंदगी खत्म करनी है। अगर अदालतें मुझे न्याय नहीं दे सकती तो मुझे मौत दे दीजिए। मैं यूथनेशिया के लिए फरियाद करती हूँ, मुझे मेरे मरने का हक दे दीजिए। मैं कोर्ट से अपील करती हूँ, मुझे मरने दीजिए। एक युवती सरकार से मौत की फरियाद कर रही थी, क्यों? ऐसा क्या अन्याय हुआ था इस लड़की के साथ जिसकी वजह से वो दृढ़ आवाज में आत्महत्या का हक मांग रही थी? 9 साल पहले 2003, धनबाद, झारखंड। ये मिताली दास एक अलग ही लड़की थी। उसके रोम रोम में जोश और उम्मीद थी। वो सबकी आंखों का तारा थी और मिताली की आंखों में थे सपने जिन्हें पूरा करने का वो संकल्प कर चुकी थी। भाई तुम्हारे लिए गुड न्यूज है मिताली। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज सर? तुम्हारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एकेडमिक परफॉर्मेंस और तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर कॉलेज बोर्ड ने यह फैसला किया है कि तुम्हें ऑनर्स कंप्लीट होने तक फुल स्कॉलरशिप दी जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम नोटिस कर रहे हैं कि तुम्हारी दिलचस्पी सोशियोलॉजी में ज्यादा है और एनसीसी में भी तुम काफी आगे हो। सो फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा, आईएएस या आईपीएस? हमने उसके बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बस इतना सोचा है कि आगे जाके सोशियोलॉजी में मास्टर्स करेंगे और फिर उसके बाद पीएचडी। मिताली तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत पड़े कॉलेज हमेशा तुम्हारे साथ है। हमें भरोसा करने के लिए थैंक यू अगेन सर। सर हम आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे। सर आज आपका मुंह मीठा कराए बगैर ना कि गिटवा हम खोलेंगे नहीं, ही लीजिए। अरे लेकिन खुशखबरी क्या है वो तो बताओ कमलनाथ। अब आज हमारा जीवन सफल हो गया। हमारी मिताली बिटिया है ना, कॉलेज उसको स्कॉलरशिप दिए। अरे इसलिए नहीं कि वो गरीब का बेटी, बल्कि इसलिए कि वो हर विषय में फर्स्ट क्लास आई है। अरे तो बहुत खुशी की बात है कमलनाथ, मिताली बिटिया बहुत आगे जाएगी। धन्यवाद साहब, हम तो कहते हैं कि ऐसी बिटिया हर घर को मिले। तुम्हें कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही का? माँ हमें कौन सा दुल्हन की तरह सजना है, बस 10 मिनट लगेंगे रेडी होने के लिए। अच्छा माँ आज से ना हमें 1 घंटा लेट आएंगे। वो कहा है? वो सिविल सर्विस की स्पेशल क्लास है ना, इसलिए। वो तो नजदीक में ही है ना, तो एक तो काम क्यों नहीं करती, कॉलेज से पहले घर आ जाना, थोड़ा सुस्ता लेना। अरे माँ टाइम नहीं हमारे पास, हमारी जिंदगी का 1-1 सेकंड बहुत कीमती है। हम सब जानते हैं बिटिया, लेकिन बीच बीच में सांस भी लेनी चाहिए। और तेरे पैर में तो चक्के लग गए हैं। माँ अभी गेयर लगना बाकी है। भैया, अरे भैया हम तो पूछना ही भूल गए, इंटरव्यू कैसे रहा कल आपका? ठीक ही हुआ, बोले अगला हफ्ता से ज्वाइन करने का चांस हो सकता है, देखते हैं। इतना सारा तो इंटरव्यू देके बैठे हैं। भैया ये नेगेटिव थिंकिंग को ना अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो, ये जॉब आपको जरूर मिलेगा। हम कह रहे हैं ना, जस्ट डू इट। मिताली तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोर्ट तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने देगा? आफ्टर ऑल सुसाइड एक जुर्म है मिताली जी, कानूनन जुर्म। जुल मेरे साथ जो हुआ वो क्या है? आज मैं तकलीफ में हूं, मेरा पूरा परिवार तकलीफ में है। मुझे नहीं पता जुल्म क्या है, आप बताइए
क्या है जुर्म? तुम नौकरी का ही छोड़ दिए रे? हमें जमा नहीं बाबा। तुमको जमा नहीं साला, ये नौकरी के लिए हम अपना नाक रगड़े हैं सेठ जी के सामने, गिड़गिड़ाए हैं, और तुमको ये नौकरी जमा नहीं। तो हमने कहा था का? और वैसे भी वो सेठ हमें हमारे हुनर के हिसाब से पैसा नहीं दे रहा, हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है ना वो। तुम्हारे स्टैंडर्ड का अचार डाले हम हैं? साला 22 का हो गया है तुम घोड़ा जैसा, कुछ काम तुमको आता जाता नहीं, बात करता है स्टैंडर्ड का। बहुत जल्द पता लग जाएगा आपको कि क्या क्या कर सकते हैं हम। अब ही तावारा गर्दी और मुफ्त का रोटी तोड़ने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता हमें। जब 3 साल से कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लेगा? हम बुरा नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए बहुत प्रेम है। तभी हम दोनों तुम्हारे बारे में सोच के रात भर रोते रहते हैं। बेटा हमने जो करना था अपनी जिंदगी में वो कर लिया, अब तुम कुछ करो जिंदगी में, टाइम रहते समझाओ इसे। सुना अम्मा, बाबा ने क्या कहा? हर चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए। फिलहाल तो चाय का टाइम हो रहा है, एक चाय पिला दो। ए राम, अभी आई क्या तुम्हारी? अरे अभी कहाँ भैया, अभी तो ज्ञान का मंदिर यानी कि कॉलेज खुलने में टाइम है। अच्छी बात है ना, इंतजार करते हैं। बहुत है हो गया इंतजार भैया, अब 6 साल से तो हम ही देख रहे हैं आपका नयन मटक का। एक बात कहें भैया, आज अपने दिल की बात बोली डालिए। शर्ट अच्छा लग रहा ना हमारा, है? कमाल करते हैं भैया आप। अरे हमारी होने वाली भाभी कोई पराये थोड़ी, वो तो अपनी। अरे दावे के साथ कह सकते हैं बचपन से आप ही को स्वामी माने बैठी होंगी, बस इंतजार कर रही होंगी कि कब आप पहली बात कहें। वो देखिए साथ साथ भाभी जी। एक बात कहें भैया, आज अपने प्यार की गोली चला ही दीजिए। मिताली, कैसे हो सपन? ठीक नहीं है, 104 बुखार है हमें, तुम्हारे प्यार का। क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहे हैं। देखो सपन, हमें ऐसी भद्दी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भद्दी? नीतू प्यार कब से भद्दा हो गया? अरे पिछले 6 साल से मर रहे हैं तुम पर, तुम्हें इतना लाइक करते, इतना पसंद करते, तुम सोच भी नहीं सकती। नीतू हमसे शादी कर लो। पागल हो क्या? आज के बाद तुम हमसे बात तक मत करना, और आइंदा हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। ये तो प्यार में बड़ा ही गड़बड़ ट्विस्ट आ गया, रिजेक्ट भी कर दिया और इंसल्ट भी, दो दो घाव दे दिया आपको। मोहल्ले के एक बेकार आलसी और नालायक युवक स्वपन ने मिताली के सामने प्रेम और शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मिताली के दिल में उस लड़के के लिए रत्ती भर की भी फीलिंग्स नहीं थी। बात को घुमाए फिराए बिना मिताली ने उसे ना कह दिया, लेकिन ये रिजेक्शन स्वप्न के मेल ईगो पर तेजाब का काम कर गया। तुम लोगों को सीधी भाषा समझ में नहीं आती का? हाँ? अब आप प्यार की भाषा समझ ही नहीं रही। स्वप्न भैया वेरी मच लव्स यू भाभी जी। शट अप इडियट। ए मितू, अपना इस ब्यूटी पर इतना घमंड मत करो, ये जवानी और खूबसूरती सिर्फ 4 दिन का खेल है। हमेशा साथ रहने वाली चीज होती है प्यार, और भी सच्चा प्यार जो हम तुमसे करते हैं, ओनली हम। हमारा बात मान लो, लाइफ बन जाएगा तुम्हारा। थैंक यू सो मच, लेकिन हमें तुम में, तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारी किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बताइए ना किस में इंटरेस्ट है? अरे नाम तो लीजिए, यही गाड़ देंगे साले को। मान भी जाइए भाभी जी, सपन भैया गोल्डन आदमी है, गोल्डन। अरे पूरे धनबाद में नहीं मिलेगा हम जैसे, पटना दिल्ली मुंबई कहीं नहीं मिलेगा, विदेश भी चली जाओगी ना तब भी नहीं मिलेगा, और तुम सिर्फ हमारे लिए बनी हो। इसका एक घमंड एक दिन ऐसा उतारेंगे ना कि पूरा जिंदगी रोएगी सिर्फ। क्या हो, कार डीलिंग वाली चल रहा है? लव स्टोरी डगमगा गई अजय भैया, अब सपन भैया ने असली लव का इजहार किया तो मिताली भाभी ओवर स्मार्ट बन रही है। अरे वो कॉलेज की एकदम टॉप की स्टूडेंट है, हमको पता चला है कि हर चीज में एकदम ब्राइट है। तुम दोनों ज्यादा फैंटम ना बनो, मैडम एनसीसी में भी हैं, एक एक किलो का जूता होता है उनका, घुमा के देंगी यहीं पे लेफ्ट राइट हो जाएगा दोनों का। क्या करें, चूड़ी पहन के बैठ जाएं यहाँ। लेकिन भैया एक बात सहन नहीं होती, जब अंग्रेजी में गाली देती है ना गुस्सा आ जाता है, माँ कसम। क्या बात कर रहे हो,
अरे हमको तो बड़ा अच्छा लगता है जब लड़की लोग अंग्रेजी में गाली देती है, माँ कसम एकदम देह गनगना जाता है। दे तो अब इसका गनगनाएगा, ऐसा झटका देंगे कि पूरी दुनिया हिल जाएगी इस साले की। थ्योरम समझ में आ गई? टफ है लेकिन मजा आ रहा है। सही? अरे वाह 100% सही। अब ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा कि नहीं? टॉप करोगी तुम? हमें तो हर सब्जेक्ट में टॉप करना है, आपकी तरह स्कॉलरशिप भी लेनी है। हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे हम तो चाहते हैं कि तुम दोनों खूब पढ़ो और बड़े बड़े अफसर बनो। अरे यही दिन देखने के लिए तो धतकिया से धनबाद आए हैं। क्यों मधुरिमा, सही फैसला लिए थे ना? हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही फैसला किया था। लेकिन धतकिया को भूल मत जाइएगा, अम्मा बाबूजी हैं वहाँ पे और नई गैया भी तो है। एक तो काम क्यों नहीं करते, जरा अम्मा बाबूजी से जाके मिल आइए और गैया की भी खबर ले लीजिए, ढंग से दूध देती है या नहीं। इसी इतवार को जाते हैं। बाबा हम भी चलेंगे आपके साथ। हम भी चलेंगे, दादा दादी से मिले हुए अरसा हो गया। प्रणाम दादी जी। कैसे हो? जीत रहो बेटा। अम्मा प्रणाम। कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कमल ये दो मजूर हमने खेत में लगा दिए हैं और ये गाय जो तुमने खरीद के दी है ना, समझो शंकर भगवान की देन है। बाबूजी ऊपर वाले की बड़ी कृपा है हम पर। आपकी दो पोतियां जो है ना, इनको सरस्वती माँ का डायरेक्ट आशीर्वाद मिला हुआ है। कॉलेज ने मिताली को इस साल फुल स्कॉलरशिप दिया है। दोनों पोतियां तो देखना हमारे कुल का नाम रोशन करेंगी। हम ऊपर से भी आशीर्वाद देते रहेंगे। बाबूजी देखो ये ऊपर ऊपर जाने का बात अभी मत कीजिए, आपको और माताजी को हमारे साथ धनबाद शहर चलना है, दोनों पोतियों को आशीर्वाद देना है शादी के लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, हम गाँव छोड़ कर नहीं जाएंगे। तुम चाहो तो ये जमीन बेच दो, पढ़ाई और शादी के खर्चे में काम आएंगी। पर बेटा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। का है बाबूजी? सच बात तो यह है कि शहर का जिंदगी हमका रास नहीं आती। अब वहाँ का जिंदगी तो कमलनाथ जी, क्या आप अपनी बेटी को आत्महत्या करने की इजाजत दे रहे हैं? हमसे हमारी बेटी का दर्द देखा नहीं जाता है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम इसे इजाजत दे रहे हैं आत्महत्या करने की? जी नहीं, हम चाहते हैं कि इसे अपनी जिंदगी वापस मिले और इसको न्याय मिले। फिर मिताली जी यूथनेशिया की मांग क्यों कर रही है कमलनाथ जी, और आप उन्हें उनकी जिंदगी खत्म कर देने वाली बात आखिर क्यों करने दे रहे हैं? एक बार आ जाओ फिर खुद ही आओगी बार बार। सच कह रहे हैं सपन भैया, इनका पावर वर्ल्ड फेमस है। ऐसा सुकून मिलेगा कि कॉलेज का कोई लौंडा भी ना दे पाएगा। एक चीज होती शर्म, सुना है कभी, महसूस किया है? बेशर्म कह के। अरे अभी तक तो कोई बेशर्मी की भी नहीं है। और शर्म तो तुमको आना चाहिए, मर्दों के जैसा घूमते रहती है हिया हुआ पता नहीं कहाँ कहाँ। सपन ई दाल ऐसे ना गलेगी। लेकिन जब गलेगी लाल मिर्च का ऐसा तड़का लगाएंगे। काहे सपन भैया? तड़का लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। दुपट्टा में वापस कर दो।
टीजिंग और हैरेसमेंट के दृश्य फिल्माने में हमें उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको देखने में होता है, लेकिन वो हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि असलियत में जो होता है वो इससे कई गुना भद्दा और भयानक होता है। ये एक धब्बा है प्रशासन पर, कानून पर और उन तमाम संस्थाओं पर जो औरतों की जिंदगी बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए बनाई गई है। क्या ये सारे सरकारी अंग एक साथ मिलकर औरतों का इस तरह का हैरेसमेंट रोक नहीं सकते हैं? हाल ही में रांची और कश्मीर वैली में फतवे जारी किए गए कि औरतें जीन्स नहीं पहनेंगी, औरतें मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगी। जरा सोचिए, और प्रशासन हर बार की तरह इसे छुटपुट असामाजिक तत्वों का काम बताकर अनदेखा कर देता है, और फिर जब कोई सीरियस वारदात होती है तब डिबेट्स पर डिबेट शुरू हो जाती है, टॉक शोज में डिस्कशंस होते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद एक और फतवा निकलता है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कानून किस काम का जो जुर्म की दस्तक सुनता ही नहीं। ये कहना बहुत आसान होगा कि मिताली पुलिस के पास क्यों नहीं गई, लेकिन हम पूछते हैं कि पुलिस और प्रशासन मिताली के लिए एक सुरक्षित माहौल क्यों नहीं बना पाए? ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे होती है इन लड़कों की? मिताली, कोई परेशानी है का? बिटिया, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? बोल बिटिया, क्या हुआ? बोलिया, मीता दीदी क्या हुआ? मिताली बोल बेटा, क्या हुआ है? क्या हुआ दीदी? बोल बिटिया। आशीष, आओ मेरे साथ। सालों से मोहल्ले में रह रहे हैं, सोचा था कि शरीफ लोग रहते हैं यहाँ पर। कमलनाथ जी, हम बात करेंगे स्वपन से, लेकिन एक बात कहें आपसे, बिटिया जो है आपकी वो भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रही है बात को। हम मानते हैं कि हमारे बेटे के पास कोई नौकरी नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पर हमारा बेटा इतना गया गुजरा नहीं है कि किसी राह चलती लड़की को छेड़े। अरे चाची, ये सब कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। ये लोग एक अरसे से मीतू को परेशान कर रहे हैं। मिताली ने कई बार इन लोगों को वार्निंग देकर छोड़ दिया है, लगता है इन लोग का बेशर्मी का खाल कुछ ज्यादा ही मोटा हो रहा है, उतारना पड़ेगा। अब पहले जाके अपनी चुड़ैल बहन की चर्बी उतार, ऐसा मटक मटक के चलती है कि कोई अंधा भी टूट पड़े। सपन, चुप कर जाओ, देंगे एक हम। दे देना बाबा, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदलेगी। सच्चाई यही है, एक टाइम से मिताली हमारे पीछे लाइन मारती है, हमको गंदे गंदे इशारे करती है। अरे कॉलेज ने खिताब क्या दे दिया, मैडम के पर लग गए। मुंह पे उंगली उठा रही है, बेशर्म। इतना बड़ा हो गए, शादी हो गया, बच्चा हो गया, और तुम भी? हम भी कहाँ हैं? नहीं, हम भी कहाँ? अरे कुछ बच्चों का ख्याल करो, उनके संस्कारों पर का असर होगा? जब बाप ऐसी हरकत करेगा तो बच्चे भी वैसा ही बनेंगे ना। ए, चुप रहिए, समझे? हमारे घर में आकर के हमारे बच्चों का बुरा सोच रहे हैं आप। अरे अजय भैया, वो बात नहीं कह रहे बाबू जी, अगर आप ऐसा गिरा हुआ हरकत करेंगे तो बच्चा सब वही सीखेगा ना। जाके पहले अपनी बहन को जा करके देखो, जो दिन रात सपनवा के साथ गुलछर्रा उड़ाते रहती है। पता नहीं कौन कौन लड़का लोग के साथ मजे मारते रहती है, तुम हमको लेक्चर देने आ रहे? चुपचाप निकलो, ऐसे तो टांग तोड़ देगा, समझा? निकलिए, अरे जाइए। पापा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। देख राम, अभी छोटा है तू, संभल जा, समझा? उन बेकार लड़कों के साथ घूमेगा ना तो उनके जैसा बर्बाद होकर रह जाएगा, बता रहा तुमको। आप हमारी फिक्र छोड़िए और अपनी बहन को समझाइए, घर से निकलते ही पूरे कपड़े का स्टाइल ही चेंज हो जाता है, मर्दों को उकसाने में बहुत इंजॉय करती है आपकी बहन। राम, तुमको कह रहा हूं। देखिए, आपको जो बोलना था बोलिए, अब हमें अपने लड़के को क्या समझाना है वो हम समझा लेंगे। सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा, इसको सुधारिए और आज से, वरना कल को जो है आपके पछताने के लिए भी बहुत देर हो जाएगा। वो हम देख लेंगे जी, तुम्हारे घर का रोटी नहीं खाता जो तुम्हारे को इतनी फिक्र हो रही है। जो भी समझाना ही है सुधारना, अपनी लड़की को सुधारिए जाके, हमारे घर में दखलंदाजी करने की जरूरत ना है। हीरोइन इतना तड़प है हमसे मिलने को,
बुलावे के लिए अपने बाप भाई को भेज दिए। तुम लोग आदमी हो या जानवर? कितनी बार कहा हमें परेशान मत किया करो, समझ में नहीं आता क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम हमें तंग करते रहोगे और चुपचाप सहन करते रहेंगे? क्या हो रहा है यहाँ पे भाई साहब? रोज कॉलेज जाते हुए हमें परेशान करते हैं लोग, गंदी गंदी बातें करते हैं। अरे परेशान हो गए हम लोग इनसे, समझा समझा के थक गए, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है। अरे भैया ये झूठ बोल रही है। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, फालतू में हम लोगों को फंसाना चाहती है। अब देखिए ना खुद चालू है, हम घास नहीं डालते तो इस तरह से बदला ले रही है। अरे पैसे मांगती है हमसे मजे करने के। बेशर्म इंसान, भाई साहब हम कॉलेज स्टूडेंट है, हम कोई पागल नहीं है जो सड़क पे इस तरह से तमाशा करेंगे। कहा समझता तुम लोग अपने आप को? ये जो यहाँ इतना पब्लिक है संभूरक है और तुम लोग का बात मान लेगा है? ये जो इतना देर से रो रही है चिल्ला रही है इसका बात नहीं समझेंगे हम लोग है? अरे भैया हम लोग भी अच्छे घर के लोग हैं। ये तो अच्छे घर के लोग हो तुम लोग, तुम्हारे घर वाले चुप रह के तुम्हारी हरकतों में पर्दा डालते हैं, उनके हिसाब से तुम लोग कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो। भाई साहब हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाना चाहते हैं, हमारे इम्तिहान हमारे सर पर है, लेकिन ये लोग रोज कुछ ना कुछ हरकतें करते। दो दिन पहले हमारा दुपट्टा हमसे छीन लिया और आज आज क्या मैं पीछे से छुआ? अरे कोई गुंडा राज चल रहा है क्या? कोई भी लड़का कुछ भी कह सकता लड़की के साथ? ए मजनू लोग, आज के बाद तुम लोग अगर इस लड़की को आंख उठा के भी देखा तो वहीं से घसीटते हुए थाना लेके जाएंगे। तुम कॉलेज जाओ, टेंशन मत लो, ये सबको हम संभाल लेंगे। ए बाबू लोग चलो निकलो, अपना अपना काम करो, चलो चल जाओ चल। पब्लिक में मिताली द्वारा उन पर चिल्लाना इन तीनों कायरों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने पहले मिताली को उनकी अश्लील बातों का विरोध करते तो देखा था, लेकिन उसका गुस्सा उन्हें पहली बार देखने को मिला। आने वाले चार दिनों तक ये मिताली से दूर रहे, कहीं नजर नहीं आए। मिताली रोज की तरह कॉलेज जाती रही, ऐसा लग रहा था कि इन तीनों ने सबक सीख लिया था। मेरे सारे सपने सारी आशाएं सब जलकर राख हो गया। मैं आखिरी बार खुश 9 साल पहले हुई थी जब मैं 17 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। तब से लेकर आज तक सिर्फ दुख होता है, एक एक सांस लेने में तकलीफ होती है। अगर मैं अपना दर्द कम करना चाहती हूँ, अपनी सांसों को रोकना चाहती हूँ, तो कानून को क्या हक बनता है कि वो मुझे रोके? दीदी हाँ, वो तीनों आपको अभी भी छेड़ते हैं? नहीं, हमें लगता है उनको उनका सबक मिल गया। पता नहीं दीदी, हमको तो बहुत डर लगता है। हमको भी, पर क्या करें, सोशियोलॉजी में इतनी बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं, मानवता का विकास, एक देश का सोशल इथोस, वजूद, पर हकीकत कितनी अलग है ना, कितनी गंदी है। प्रोग्रेस ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में हुई है, लेकिन हमारा देश हमारे विचार आज ही पिछड़े हुए हैं। इंसान एकदम जानवर है और कुछ नहीं सुधरने वाला। सदियों से ये देश ना राम भरोसे चल रहा है, ये किसी को तो कोशिश करना होगा। हम भी कुछ जाने, हम भी कुछ सोचें, तभी इस देश का कुछ होगा। Oh!
22 अप्रैल 2003 की रात मिताली को छेड़ने वाले तीनों कायर दास परिवार के घर की छत पर पहुंचे। वो जानते थे कि गर्मियों में सारा परिवार छत पर सोता है। यहां पहुंचकर उन्होंने सोई हुई मिताली के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इस एसिड अटैक ने मिताली के चेहरे को छलनी कर दिया। इस अटैक में मिताली की बहन सोनाक्षी के हाथों पर और पिता कमलनाथ के पैरों पर कुछ चोटें आईं, लेकिन मिताली हमारी बेटी कैसी है? फिलहाल हमने उसे पेन किलर्स की ड्रिप दे दी है। वो ठीक तो हो जाएगी ना? बोलिए ना डॉक्टर साहब, कैसी है हमारी मिताली? वो ठीक तो हो जाएगी ना? फिलहाल मिताली की कंडीशन बेहद खराब है, जो भी हम कल सुबह तक ही बता पाएंगे। अरे संभालिए, अरे आपको भी चोट लगी? डॉक्टर साहब हम ठीक है, हमारी बेटियां ठीक तो हो जाएगी ना? अरे क्या कर दिया इन लोगों ने उसको। कब हुआ है सर? 2 घंटा पहले साहब। मतलब लगभग रात के 1:30 बजे? जी जी सर। आपने देखा हम तुम्हें वो? सर वो मिताली की चीखें सुनते ही हम उठ गए। उसके बाद जो मिताली का जो हालत था ना, वो देखते देखते और कुछ देखे नहीं सर। मिताली बिटिया का चेहरा नहीं रहा था, पिघलता हुआ मांस था। हम लोग बहुत घबरा गए थे, कुछ देख नहीं पाए। लेकिन हमारी छोटी बेटी सोनाक्षी, उसके हाथ पर भी एसिड गिरा, उसने उन्हें भागते हुए देखा था। दिनेश। जी सर। भाई अलाउ करो। जी सर। देखिए हमें आपकी बेटी मिताली का स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन सर वो तो हॉस्पिटल में है सर। हाँ अभी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको, हम सुबह आएंगे स्टेटमेंट के लिए। सॉरी इंस्पेक्टर, मिताली इस समय स्टेटमेंट देने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब वो विक्टिम है और हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। इंस्पेक्टर उसके फेस पर हाई ग्रेड एसिड फेंका गया है, 72% बन चुका उसका फेस। कान के पर्दे पिघल चुके हैं, उसके नाक पिघल चुकी है, वॉइस बॉक्स गायब हो चुका है और उसकी दोनों आँखें बुरी तरह से डैमेज्ड हैं। इसलिए न वो तो बोल सकती है, न सुन सकती है और न ही देख सकती, और इस समय वो बेहोशी की हालत में है, इसलिए वो आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकती। आपकी छोटी बेटी सोनाक्षी, उसने देखा था तीनों को, हम उसका बयान लेंगे। हमरा सपन ऐसा काम करिए नहीं सकता है साहब। अपना बेटा को बुलवाइए। वो तो साहब कल रात को बाहर चला गया काम के सिलसिले में। उसके काम करने का ठिकाना कहाँ है? साहब हमरा बेटा काम ढूंढ रहा है, बहुत ही मेहनत करता है साहब हमरा बेटा। हम लोग भी बहुत ही मेहनत करते हैं मुजरिम सबको ढूंढने के लिए। अपने बेटा को कहिएगा कि थाना में आके हाजिरी दे जाए, नहीं तो हम लोग का मेहनत शुरू हो गया ना तो फिर रुकने का नाम नहीं लेगा, बुझ रहे हैं? सर पड़ोसी बता रहे हैं अजय का पूरा परिवार निकल गया है घर लॉक करके। पता लगाओ कहाँ गया। सर हम सोच रहे हैं कि फैमिली वाला आदमी ऐसी हरकत करेगा कहाँ? आपका बच्चा 17 साल का है और आपको बिना बताए कहीं चला गया? साहब आप जानते तो हैं 17 साल की उम्र में बच्चे कैसे होते हैं, आप तो जानते हैं साहब। साहब हमारा बेटा किसी पे तेजाब नहीं डाल सकता, वो तो बच्चा है। बच्चा है तो बड़े लोगों के साथ काहे घूमता है? जब घर आए तो उसको थाने ले आइएगा। साहब एक बात बताना था आपको, कहा कि वो जो लड़की है ना
उसका बहुत सारे लड़कों से चक्कर है साहब। हमको लगता है कि उन्हीं लड़कों में से किसी लड़के ने ये तेजाब कांड किया है साहब। हमारे लड़के का नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है साहब, वो नहीं कर सकता साहब, बहुत छोटा है साहब वो। क्या हालत है डॉक्टर? देखिए एक बात आपको हम साफ साफ बता देना चाहते हैं। क्या हो गया? मिताली की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमारे बंस वार्ड में इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सके। तो फिर क्या करें, मतलब आपका सुझाव देते हैं? उसे किसी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। कहाँ? लेकिन आप बोकारो हॉस्पिटल क्यों नहीं ट्राई करते? क्योंकि उनका बंस वार्ड काफी अच्छा है, वहाँ आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, स्पेशलाइज फैसिलिटीज मिलेंगी। देखिए जितनी जल्दी हो सके मिताली को आप बोकारो हॉस्पिटल शिफ्ट करें। हो गई का? हम नहीं, बाबूजी बात किए हैं मामा जी से और बोले हैं सब इंतजाम हो गया। अरे तू चिंता मत कर माँ, सब हो जाएगा। आप किस डिपार्टमेंट से? हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। मिताली आप, मेरा मतलब है पेशेंट जो है ना मेरी भांजी है, हमारी बहन की बेटी, वार्ड नंबर 6। मुझे मिताली की रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। कैसे हाल है? देखिए मैं आप सबको बता दूं कि मिताली का केस बहुत सीरियस है। पर ठीक तो हो जाएगी ना? ये कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों की बात नहीं, आपको, हमें और मिताली को सालों तक लड़ने के लिए तैयार होना होगा। इस दौरान कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं दूंगी। बस इतना ही कहूंगी कि आज से, बल्कि अभी से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। एक एक दिन देखते जाएंगे, उम्मीद करते रहेंगे। इसके अलावा हम एक्चुअली कुछ कर भी नहीं सकते। मिताली के लिए ये एक बहुत लंबा संघर्ष साबित होने वाला था और उसके परिवार के लिए किसी लंबे युद्ध से कम नहीं था। 72% बर्न्स थे, सर से लेकर पूरा सीना तक जल चुका था। उसकी छोटी बहन सोनाक्षी बाल बाल बच गई थी। ये तीनों क्रिमिनल्स एक लड़की की ना नहीं सुन सके और बदले में 17 साल की मिताली को इतनी खौफनाक सजा दी। ये तीनों अब फरार हो चुके थे। जिंदगी में कई सपने देखने वाली, हौसले और जोश से भरपूर स्कॉलरशिप स्टूडेंट मिताली अब अपनी जान के लिए लड़ रही थी बोकारो हॉस्पिटल के ICU में। मिताली की हर सांस एक दर्द भरी आह थी। 2003 से लेकर 2012 तक पूरे 9 साल मिताली सिर्फ दर्द भरी आहें भरती रही। कल हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, कहानी मिताली और उसके परिवार की, उनके दर्द की, उनकी गरिमा की। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।